इमरजेंसी स्कैम, जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम भी कहा जा रहा है, इसके ऊपर युवा आवाज जरूर उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई सुनने वाला नहीं है। जब मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जा रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये स्कैम, ये घोटाला हुआ होगा। लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाई गई थी दिसंबर महीने में और उसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी जनवरी 12 तारीख को, लेकिन अब आप देखें कितने महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए, अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हलचल नहीं है, सब शांत आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि शायद जांच करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से युवा जो है वो एकत्रित हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल, मेरा नाम है निसार अहमद सर। अच्छा निसार जी, क्या कारण है, आज क्यों आप एकत्रित हुए हैं? बिल्कुल सही सर, कल से यहाँ पे भूख स्ट्राइक रहेगी, यहाँ पे श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। मतलब हंगर स्ट्राइक पे आप कल से? बिल्कुल सर, कल से हंगर स्ट्राइक, आज हमारा 5वां दिन है। एलजी साहब को 48 घंटे के अंदर अंदर वो इस मुद्दे पे बात करे, या कमिटी जो बनाई गई है 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कल से ये प्रदर्शन बराबर चालू रहेगा। जब तक इस मसले पे बात नहीं की होगी तो तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये अल्टीमेटम दिसंबर महीने में एक कमेटी बनाई गई थी, रिपोर्ट आनी थी जैन में, लेकिन वो तो आई नहीं। बिल्कुल सर, वही तो हम कहना चाहते हैं। अगर कमेटी बिठाई है गवर्नर साहब ने 12 दिसंबर को, और उनका जो टाइम पीरियड है वो 12 जनवरी को खत्म हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4वां महीना चल रहा है, लेकिन कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। साफ साफ जाहिर है कि इसमें बड़े लोग मुलविस है, साफ साफ जाहिर है कि ये इसमें धांधली है, तभी तो इसमें इतना टाइम लग रहा है। काफी चुप्पी और शांति भी दिखती है इस मैटर के ऊपर, उसकी वजह आपको क्या लगी? यही तो लग रहा है, अगर कमेटी को 1 महीना दिया है, अगर उन्हें जल शक्ति FAA और SI में उन्होंने 40 दिन के बाद रिपोर्ट किया सबमिट, वहां पे उन्होंने शक के बुनियाद पे वो कास्ट किया। हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, बहुत सारे सबूत है जो हमने हैंड ओवर किए RK गोयल साहब को भी दे दिए, और उस कमिटी को भी दिए, और LG साहब को भी दे दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि इतना टाइम इनको क्यों लग रहा है। ये साफ साफ जाहिर है कि इसमें धांधली है, बड़े पैमाने की धांधली है। हम चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से किया, और कमेटी से भी हम ये दरखास्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप 48 घंटे के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए, इस मुद्दे पे बात कीजिए। अगर नहीं तो कल से यहाँ पे वो हंगर स्ट्राइक रहेगी श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर। कल से सारे लड़के जम्मू कश्मीर के जम्मू यहाँ पे आएंगे, जम्मू में, तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक रहेगी। जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं होगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। स्पॉट कौन सा चुना है आपने? बिल्कुल यही महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह पार्क, यही पे करेंगे प्रदर्शन, क्योंकि जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं मिले जाएंगे। जम्मू में तो महाराजा हरि सिंह पार्क हो गया, तो कश्मीर में? बिल्कुल, वहां से हम करेंगे, वहां पे चल रहा है प्रेस क्लब में, श्रीनगर प्रेस क्लब, प्रताप पार्क का अपोजिट, वहां पे चल रहा है, वहां पे भी प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पे भी प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, मेरिट, अब हकदारों को हक मिलना चाहिए, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको हक मिलना चाहिए, तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा कल से। नहीं, रैना साहब से भी आप मिले थे, उन्हें? बिल्कुल सर, देखो रैना साहब से हमारी बात हुई है, रैना साहब ने कहा कि हम आपको ये बात आगे तक पहुंचाएंगे। हमें लग रहा है सारे सारे बड़े बड़े जो ऑफिसर है ये हमारे मुंह में लॉलीपॉप रखे और आगे कुछ नहीं है। उन्होंने पहले ही, हम उससे पहले भी रैना साहब से मिले, उसने कहा मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा, आज फिर से हम रैना साहब से मिले, कल से भी, कल भी मिले, आज भी मिले, उसने कहा कि मैं LG से बात करूंगा। लेकिन हम तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है, जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं होगी, जब तक इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिन दलालों ने दलाली की उनको सजा मिलना चाहिए, जिन चोरों ने चोरी की उनको सजा मिलना चाहिए, जो लड़के इसमें लगे हुए हैं भ्रष्टाचार से उनको टर्मिनेट करो, और उनको उनके खिलाफ कानूनी तौर पर FIR लॉन्च करो। तो हमारी मुद्दा यही है, मतलब हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 48 घंटे के अंदर अंदर इस LG साहब को इस बात पे जरूर छेड़ना है, और मुद्दा, चलो आप ये कह रहे हैं जो लग गए उनको निकाल दो। बिल्कुल सर, हमारे पास एविडेंसेस है, हमारे पास सबूत है, जो धांधली से लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 0.25 ऑब्जेक्टिव, अगर किसी एग्जाम में, किसी रिक्रूटमेंट में लीकेज होता तो उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दो। FAA में ऐसा हुआ, जल शक्ति में ऐसा हुआ है, SI में भी ऐसा ही हुआ,
जहाँ पेपर लेके आए। वो तो छोटे लेवल पे स्कैम थे, ये तो मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाएगा, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सर इसको प्यारा सा नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, क्योंकि जो अंदर बंदे लगे हुए हैं 700 बंदे वो भी पेपर चोर है, जो बाहर बैठे हुए 2000 बंदे वो भी पेपर चोर है। हमारे पास एविडेंसेस है, हम उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले गवर्नर साहब ने इस पे कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया तो कमेटी मतलब रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रही है। आर के गोयल साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आर के गोयल साहब अगर आपको टाइम लग रहा है आप पब्लिक डोमेन में आइए, मीडिया में आ जाए और बताइए कि हमें कुछ दिन इसमें लग जाएंगे, और वरना आप हमें आश्वासन पे आश्वासन तारीख पे तारीख बाकी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इनकी तरफ से हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हमने आज यही मतलब कल डिमांड किया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए, अगर नहीं तो कल से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक शुरू होगी श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर। सर चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करें। थैंक यू सर। कोई और भी बोलना चाह रहा है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीर अहमद है। थोड़ा सा यहाँ जो जी सर जी बताएं जी, हम अलजी साहब से यही कहना चाहते हैं कि हम खोखले दावे नहीं कर रहे हैं जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं या पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, खोखले वादे करके जो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम खोखले दावे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं जो हमने ऑलरेडी जो है 3 मेंबर कमेटी को भी दे दिए हैं, अलजी साहब को भी दे दिए हैं। अभी हमारी जो है श्रीनगर में भी हमारा मे बी मंडे से वहाँ पे भी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे तो हमारा पता ही हमारा 5वां दिन आज चल रहा है, हमारा प्रदर्शन भी कंटिन्यू रहेगा। तब तक हम यहीं पे बैठेंगे, जम्मू से वापस नहीं जाएंगे जब तक ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं करेगी। तो आपने जो स्टडी की कितने समय लगाया था, कितने महीने या साल मेहनत करने के बाद एग्जाम पे में बैठे थे आप? सर पहले तो 2013 से अभी तक 10 साल तो जाया हो ही गए हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कितना टाइम प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल हम ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद उसका जो आगे जाके वो इंसान को वो फ्रूटफुल वो 1 साल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मेहनत की है तो आगे जाके जो रिजल्ट्स आने चाहिए एज पर अवर स्टडीज वो ठीक आने चाहिए थे, लेकिन एक तो इन्होंने घोटाला कर दिया, स्कैम कर दिया, ऊपर से हमारे और 10 साल जाया कर दिए 2013 से लेके 2023 तक, क्योंकि यही वो गोल्डन पीरियड था हमारा जिसमें हम या SSB की प्रिपरेशन कर सकते थे या किसी और जॉब के लिए SSC के लिए प्रिपरेशन कर सकते थे, लेकिन या तो हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, या तो हमें प्रदर्शन करने पड़े, या तो हमें पॉलिटिशियंस के दरवाजे खटखटाने पड़े, या तो हमें ब्यूरोक्रेट्स के दरवाजे खटखटाने पड़े, क्योंकि हमारा टाइम जो है पूरा इन्होंने जाया कर दिया। 10 साल कोई जोक नहीं है, इट इज ये एक डिकेड होता है। 10 साल में एक मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक स्टेट का जो नक्शा ही चेंज हो जाता है। शुरुआत में आप उपराज्यपाल साहब के पास भी गए थे, उनसे बातचीत भी हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक दोबारा कभी मुलाकात हुई? नहीं सर, उनके साथ तो हमारी पहली सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम 2020 से प्रदर्शन कर रहे हैं 2020 2021 2022 में अलजी साहब को पता चलता है कि फायर सर्विस में घोटाला हुआ है, तब तक हम चीखते चिल्लाते आ रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है, अलजी साहब हमें अपॉइंटमेंट दीजिए। अलजी साहब नहीं सुनता है, उसको कोई नहीं बोल रहा है, ना तो वो न्यूज देखता है, ना तो वो न्यूज पेपर पढ़ रहा है। 2022 में 3 साल के बाद उसको पता चलता है कि फायर सर्विस एक डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें घोटाला हुआ है। उसके बाद वो हमें अपॉइंटमेंट देता है श्रीनगर में, वो वहां पे हमें आश्वासन देता है कि मैं इस पे जो है इसमें जो भी मुलाविस होंगे जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया होगा मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। उसके बाद फिर से कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलजी साहब की तरफ से, ना तो कोई ट्वीट आ रहा है, ना तो कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। 6 महीने के बाद अलजी साहब की तरफ से और एक ट्वीट आ जाए, अलजी साहब हमें और एक ये देता है अपॉइंटमेंट ये विद हेल्प ऑफ अभिनव शर्मा, तो अभिनव शर्मा की तरफ से की मदद से हमें एक अपॉइंटमेंट मिलता है फिर से। तो एलजी साहब के पास हम जाते तो एलजी साहब ने कहा कि फैमिली स्कैम तो मेरे पास पहुंच गया है, मैं अग्री करता हूं कि इसमें जो है स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, अब जरा सा मुझे और कुछ इसमें मिला मैं लिस्ट उसी टाइम कैंसिल कर दूंगा। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो कमेटी की जो ये नोटिफिकेशन निकलती है कि एलजी साहब ने इसमें कमेटी बिठा दी है, जैसे कमेटी बिठा दी तो कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया, उसके बाद हम 15 दिनों तक कमेटी को सबूत पे सबूत एविडेंसेस पे एविडेंस देते गए। वहां एलजी साहब ने बोला था कि एक और सबूत दे दो, मनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, पेपर लीकेज, आई विटनेस, यहां तक कि पेपर जो है उनको ये OMR शीट को मैनिपुलेट किया गया, वहां पे रिप्लेस किया गया। हमारे पास OMR शीट ऐसे है, एक कैंडिडेट का ऐसा OMR शीट है जिसपे उसको अपना रोल नंबर भरना नहीं आया है, ये कॉम ये सीधी सी बात है। अगर एक वो भी एग्जाम बैठा था, सुनिए मेरी मैं बात पूरी करना चाहता हूँ कि अगर एक एस्पायरेंट का OMR शीट जो है वो गलत हो जाता है दैट मीन्स उसकी मार्किंग नहीं होती है,
नहीं होती उसकी मार्किंग, वो फेल करार दिया जाता है या एब्सेंट करार दिया जाता है, क्योंकि वो जब हम उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर में डाल देते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो आप देखिए उसके फिर जब हम मार्क्स देखते हैं, वो छोड़िए मार्क उसका जो रोल नंबर है वो गलत हुआ, उसके बाद जब हम उसके मार्क्स देखते हैं 42 मार्क्स उसे जो है अटेम्प्ट किए थे, मतलब जो एट दैट टाइम उसके 40 उस ज्यूरिंग उसकी जो जीरोक्स कैंडिडेट कॉपी होती है उसके 42 मार्क्स उसने किए हैं। जब रिजल्ट आता है एक तो वो सिलेक्टेड हो जाता है। अच्छा। वो सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे भी ऐसे कितने केस होंगे इसमें उसके मार्क्स 90+ आ जाते हैं। एक तो रोल नंबर गलत लिखा उसका, पहले आप बता दीजिए उसका जो OMR शीट है वो कैसे चेक हो ऑप्टिकल मार्क रीडर में, बता दीजिए सर। दिस नॉट अ शेयर इनजस्टिस विद द डिजर्वड कैंडिडेट्स। जो मेरे भाई समीर शुरू से बोले, जो मेरे भाई समीर सर ने भी बोला है कि जो एक बंदा है जिसका OMR शीट हमारे पास है, उसने क्या किया, जब वो एग्जाम में बैठ गया, एग्जाम में बैठने के दौरान उसको रोल नंबर भी लिखना नहीं आया, और जब वो एग्जाम में बैठ गया तो उसने कितने मार्क्स वहां पे किए थे, 43। और जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये बात सामने आई है कि दैट वेरी गाय हैज ऑब्टेन्ड द मार्क्स 90+। अब मुझे बता हाउ इट इज पॉसिबल, अगर OMR शीट में उसने अवेल किए है कितने, फिर 43, और वहां पे फाइनल रिजल्ट में डिक्लेयर किया गया है, आपको कैसे पता चला कि हमारे पास एविडेंस है सर जी, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द थ्री मेंबर कमिटी, आर के गोल साहब की कमिटी के सामने, एज वेल एज वी हैव आल्सो सबमिटेड दिस रिपोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द LG's डेस्क। आप मुझे बता दीजिए इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है आले, अरे मेरे भाई मुझे बता दो ना, LG साहब मुझे बताओ ना, आप लोग तो बता रहे मेरे जिम्मे में ये पहली बात आई। आप मुझे बताओ LG साहब, अगर आपको इससे पहले हम 2020 से पीछते आ रहे हैं, 13 से पीछते हैं, 2020 में लिस्ट मंजर आम पर आता है, उसके बाद आप मुझे बताइए LG साहब, अगर आपको इसके बगैर हर कोई बात आपको मालूम होती है, जम्मू में क्या होता है, कश्मीर में क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ, आपको ये पता नहीं है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड, जो होम डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, आपको ये भी पता नहीं है वहां एग्जाम कंडक्ट किया है, बच्चे क्यों रोड पे आ रहे हैं, इनके साथ क्या हुआ है, ये भी आपको पता नहीं है। सबसे पहले मैं शेम करना चाहता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको ये पता नहीं है कि लोग सड़कों पर क्यों आते हैं। अरे अरे LG साहब, अगर आपको ये भी पता नहीं लोग सड़कों पर क्यों आते, मेहरबानी करके कुर्सी छोड़ दीजिए, जहाँ बैठे बनारस में बैठिए, हमें इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल से आप भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं कश्मीर में भी और जम्मू में, क्योंकि इन लोगों ने हमारे मुंह में लालीपॉप रखा है, चाहे वो LG साहब हो, चाहे वो थ्री मेंबर कमिटी हो, चाहे वो और कोई साहब क्यों ना हो, इन्होंने हमारे मुंह में लालीपॉप रखा है, हमने अब यही ठान लिया है हम मरेंगे मिटेंगे यहाँ पे ही बैठेंगे, हम इनको अल्टीमेटम 48 आवर्स, अनलेस एंड अंटिल अगर इन लोगों ने रिपोर्ट को सबमिट किया पब्लिक डोमेन में लाया, तो याद रखिएगा इतने ही लड़के यहाँ पे जमा नहीं होंगे, बल्कि अब हमने फोनिकली लोगों को बुलाया यहाँ पे, वो यहाँ पे आएंगे मंडे के दिन, वो यहाँ पे आएंगे, इसलिए हम इनको 48 आवर दे, और सिर्फ इधर जम्मू में नहीं, कल से नहीं मंडे से बैठ रहे हैं, नहीं नहीं कल से बैठेंगे, लेकिन और जो हमारे भाई इसमें शामिल होने वाले हैं वो आएंगे मंडे के दिन, तब तक इनको अल्टीमेटम देते हैं। अगर आप सच में हमें इंसाफ देना चाहते हो, सच में अपने स्टेट को डेवलपमेंट की ओर लाना चाहते हो, हमें इंसाफ दीजिए, अगर नहीं, और एक बात मैं आपके माध्यम से यहाँ के जम्मू की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, जम्मू के नागरिकों में कहता हूँ, प्लीज उनको मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, इस वक्त हमारे साथ युवक तल जाके आपके बच्चों के साथ भी हो सकते, मेहरबानी करके जम्मू के भाइयों, जम्मू के वासियों, मेहरबानी करके कल आ जाए जम्मू, महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर आ जाए, हमें साथ दीजिए, फिर देखेगा। मैं बिलाल अहमद आपको कहता हूँ, मेरा भाई निसार अहमद आपको कहता है, समीर भाई आपको कहते हैं, मेरे भाई क्या कहते हैं आपको, हम इनको दिखाएंगे करप्शन किस तरह यहाँ से दूर करना है, इन दलालों को हमें यहाँ से हटाना है, हमें कश्मीर को फ्री करप्शन से, जम्मू कश्मीर को फ्री करप्शन से फ्री करप्शन बनाना है। याद रखिएगा गोयल साहब, मैं तो मिला हूं ना आपसे, मेहरबानी करके मत रखिए ना हमारे मुंह में लालीपॉप, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो कहिए, वो कीजिएगा। आप मुझे बता, मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि क्या इन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है। अभी मेरे समीर भाई ने बोला है कि मैं और एक यहाँ बात इस थ्री मेंबर कमिटी के पास पहुंचाना चाहता हूँ, RK गोयल साहब प्लीज याद रखिएगा, हवा से खम को बेदार करके रखना, के जो भी कागजात
इस फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, शुगर की है, सबसे पहले प्लीज वो चेक कीजिएगा आइदर दैट वेरी डॉक्यूमेंट हैज बीन फुली असेंडेड बाय द मेंबर्स। कौन मेंबर्स? जो उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर्स थे, क्योंकि दे हैव बीन मैनिपुलेटेड, उन कागजात को मैनिपुलेट किया गया। और ये अब क्या है, इतने चालाक है ये फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले चोर दलाल गद्दार, उन्होंने क्या किया, अगर उनको इस थ्री कमेटी को रिपोर्ट आया, कागजात सबमिट करने से, पता है उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वो उनकी मैनिपुलेशन इन सेंस, उन लोगों ने पता क्या किया है, जो साइन होता है नीचे चाहे वो पीईटी टेस्ट का है, पीएसटी टेस्ट का, चाहे वो कैंडिडेट पास हुए या नहीं हुए हैं, अब उनको रिपोर्ट सबमिट करना था, कौन सा पास हुआ कौन पास हुआ, पता है उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वो कागजात ये हमारे हम जो ड्रॉप आउट कैंडिडेट हैं यहाँ सिलेक्ट, वो कागजात क्या किए हैं, मिस किया। अब क्या है, अब अगर थ्री मेंबर कमिटी थी, उनको ये कागजात बोलने को बोला कि हमें ये कागजात चाहिए, पता उन लोगों ने जो एम के वाली है ना, कौन जो महाराज किशन वाली है ना, मारे किशन वाली जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही थी, वहां से ही लाए उन लोगों ने पेपर्स, पता है उसके ऊपर किसी भी थ्री मेंबर कमिटी का साइन ही नहीं। अरे मेरे भाई, अरे गायो गोयल साहब, आपको ये बात समझ में नहीं आ रहे, आप लोग इन चीजों के बारे में नहीं गौर फिक्र किया है, प्लीज हैव अ लुक, हैव अ क्लोज अपॉन दीज थिंग्स आफ्टर दैट यू विल लिसन। अंत में कुछ कहना चाह रहा, मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स बोल सकता हूँ, ये एम के वली की बात तो आ ही गई है। तो एम के वली जो है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी हमारी एक एस्टिमेट एजेंसी आ गई थी, टीआरपी आ गई थी 2013 में, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे एम के वली साहब, और वो बोर्ड के मेंबर भी थे उस टाइम, आठ मेंबर बिठा दिए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से साथ अपने, और आठवां बिठा दिया गया था एम के वली साहब, जो महाराजा कृष्ण वली है वो रिप्रेजेंटेटिव था किनकी तरफ से, टाइम एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। उसके बाद उनपे एलिगेशन लगी कि उन्होंने चोरी की है, पेपर भेजे हैं, एक नोटिस निकलती है डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें यह कहा जाता है कि आदिल अहमद जरगर और बिलाल अहमद शाह जो है इनको आगे जो है फर्दर रिक्रूटमेंट है इसका हिस्सा नहीं बना दिया जाएगा, और एक नई जो है टीआरपी है वो हायर कर दी जाएगी, नई टीआरपी जो है वो हायर कर दी जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि नई टीआरपी लानी है। उसके बाद 2020 में ये एक टेंडर निकालते हैं, टेंडर अब दूसरी कंपनी को देना था, लेकिन बदकिस्मती नहीं कहूंगा, इनकी चाल ऐसी थी कि महाराजा कृष्ण वली की ही दूसरी कंपनी को लाया गया, हायर किया गया, LMES IT LLP को लाया गया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, और महाराजा कृष्ण वली जो था, ये वही डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल सर, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब हमने रिटर्न किया, जब हमने फिजिकल क्वालिफाई किया 2018 में, तो 6928, तो जब जो एग्जाम में अपियर हुए 7003। एक बार हम दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा सर, उसके बाद में अंडर, ये देखो अंडर हाइट एस्पिरेंट लगे हुए हैं सर, ये भी दिखाओ, अंडर हाइट एस्पिरेंट लगे हुए हैं, अंडर हाइट एस्पिरेंट लगे हुए हैं सर। और सर ये देखिए, ये महाराजा कृष्णा वली है, उसके पास दो एजेंसी चल रही है, LMES टाइम एंड टेक्नोलॉजी, दो चल रही है। उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा कि आप टीआरपी को चेंज करो, उन्होंने टीआरपी चेंज किया, लेकिन ओनर सेम था, बिल्कुल ओनर सेम था। और एक बात है सर, अगर कंप्लेंट निकाली गई है, देखिए सर, अगर कंप्लेंट निकाली गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, डायरेक्शन की गई है डायरेक्टर को, जो फायर एंड इमरजेंसी का, कि जो बिलाल से और आदिल जरगर है, इनको इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा मत बना दीजिए। आप मुझे बताइए, होम डिपार्टमेंट से ये रिलीज नोटिफिकेशन, एग्जाम से पहले एक दिन पेपर लीकेज, देखो ये हाउस बोर्ड में पेपर कर रहे हैं, 19 सितंबर रात के 10:30 ये लोग हाउस बोर्ड में पेपर कर रहे हैं, ये भी हमने दिए सारे एविडेंसेस, फैमिली स्कैम सब कुछ, बैकडोर एंट्रीज, जो लड़के जिन लड़कों ने 2013 में फार्म नहीं लगाए वो लड़के भी लगे हुए हैं, जिन लड़कों के पास आरबीआई उस वक्त नहीं थे वो भी लगे हुए थे, जिन लड़कों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे वो भी लगे हुए है, जो अंडर हाइट है वो लड़के भी लगे हुए है, जो हैंडीकैप्ड बंदी है वो भी लगे हुए है। इसमें इसीलिए इसको नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल स्कैम। हम लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी गवर्नर साहब 48 घंटे के अंदर अंदर इसको पब्लिक डोमेन में लाइए, कल से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक होगी और श्रीनगर के अंदर हंगर स्ट्राइक होगी और आंदोलन स्टार्ट होगा कल से, और कैंडल मार्च भी होगा सर जी, कैंडल मार्च भी होगा यहाँ पे जम्मू में, याद रखिएगा कैंडल मार्च होगा। तो ये देखें, ये अब
हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी ये लोग कर चुके हैं और कल से ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब इस घोटाले की आवाजें उठने लगती हैं तो तभी क्यों जांच नहीं करवाई जाती और जांच करवाने के बाद उन लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता जो लोग ये कार्य करते हैं। इसमें तो जो एस्पायरेंट हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके ऊपर भी हमें लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा डर खौफ तो इन लोगों में पैदा हो, इन्होंने तो पूरे सिस्टम को मजाक ही बना के रखा हुआ है। तो इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।